आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि एक लेडी को यानी कि बच्चे की माँ को वो कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है जिस कारण उनके उनका जो बच्चा है वो दिव्यांग नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो चीज़ें हैं, बच्चे के ऊपर गलत असर होना, उसकी हड्डियाँ मजबूत नहीं होना, बर्थ के बाद बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट होना, ये सारी चीज़ें किस कारण होती है? ये छोटी मोटी माँ की गलतियों के कारण होती है। यहाँ इस टॉपिक पे लोग बात नहीं करना चाहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मैं भी मेरी प्रेगनेंसी में किसी से इन सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहती, लेकिन मन ही मन बहुत सारी चीज़ें सोचती थी। लेकिन लास्ट टाइम में मैंने अपने डॉक्टर से बात की तो मुझे डॉक्टर ने जो सारी चीज़ें बताई वो यहाँ मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए, जो प्रेगनेंसी के दौरान आपको कैल्शियम, आयरन, फोलिक एसिड, जिंक, इन सारी चीज़ों को प्रॉपर मात्रा में लेनी होती है, साथ साथ विटामिन डी को भी। इससे क्या होता है, इससे आपके बच्चे की हड्डियाँ मजबूत होती हैं। फोलिक एसिड, आयरन से ये होता है कि आपको एनीमिया की समस्या नहीं होगी कभी भी, यानी कि जो बच्चा है बच्चे तक प्लेसेंटा के थ्रू प्रॉपर ऑक्सीजन जाएगा। तो एक माँ को ही इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है, जिससे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई थिंक गाइज, इस वीडियो में आपके जितने भी मन में डाउट होते हैं इस चीज़ को लेकर कि बच्चा डिफेक्टिव नहीं हो, इस कारण आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूँगी। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए गाइज, इस टॉपिक पर बात करना किसी के लिए कम्फर्टेबल नहीं होता और मैं ऑलरेडी बहुत ही भावुक हो चुकी हूँ इस टॉपिक पे बात करते टाइम। यहाँ चलिए हम बात करेंगे, अगर आपकी प्रेगनेंसी आप प्लान कर रही हैं तो प्रेगनेंसी प्लान करने के 3 महीना पहले से ही अपने डॉक्टर से फोलिक एसिड, आयरन, इन सारी चीज़ों की गोलियाँ लेनी स्टार्ट कर दें। वो ऑलरेडी आपको देंगे अगर आप बोलेंगे कि प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। वहीं जिनकी प्रेगनेंसी सरप्राइज है, जैसे मेरी प्रेगनेंसी सरप्राइज थी, मुझे नहीं पता था, तो इस केस में मैंने वो सारी गोलियाँ कब ली, मैंने प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में ली। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में मैंने फोलिक एसिड लेना स्टार्ट किया, जिंक लेना स्टार्ट किया, वो आपको डॉक्टर दे देंगे टाइमली। और साथ ही साथ पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आप कोशिश कीजिए 90 कैल्शियम, 90 आयरन की गोलियाँ लें, क्योंकि मैंने मेरी प्रेगनेंसी में 90-90 लिया था। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं या कम भी, अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करके लें। देखिए, जब भी आप अपने डॉक्टर से मिलने जाती हैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, अगर आपकी फैमिली में, बुजुर्ग में या फिर आपके हस्बैंड को किसी को भी किसी तरह की प्रॉब्लम है, जो अनुवांशिक चलती आ रही है, वो आपको प्रेगनेंसी में ही अपने डॉक्टर को बता देनी होती है। अगर मे भी किसी को सुनने में प्रॉब्लम हो, किसी के हाथ पैरों में भगवान ना करे कोई भी प्रॉब्लम हो, इन केस उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आप डॉक्टर से सीधी बात कर ले, आप बता दें, जिससे क्या होगा कि डॉक्टर आपको एक इंजेक्शन देंगे, उस इंजेक्शन के थ्रू आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ होगा। तो समय रहते आपको सबसे पहले चीज़ों को समझना होता है। अब एक बच्चे की आप माँ बनने वाली हैं तो आपको इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारियाँ लेनी होंगी, खुद का ख्याल रखना होगा, बच्चे का ख्याल रखना होगा। इसलिए लोग बोलते हैं कि सारी चीज़ें एक माँ के ऊपर डिपेंड करती है कि बच्चा कितना हेल्दी हो। तो आप ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सी जो डाइट है वो बैलेंस डाइट लीजिए, अपनी दवाइयाँ पूरी लीजिए, कंप्लीट लीजिए, जो भी कैल्शियम आयरन के डोज हैं उसको पूरा कंप्लीट कीजिए। आई थिंक गाइज, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। अब आपको क्या करना है, एक प्रेग्नेंट लेडी को हमेशा इन्फेक्शन से दूर रहना है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो या कोई बीमार है घर में उससे थोड़ी सी आप दूरी बना कर रखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी के दौरान आपका बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, आपका स्किन सेंसिटिव हो जाता है, इसलिए इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा बच के आपको रहना चाहिए। कोशिश कीजिए कि जहाँ पर ज़्यादा शोरगुल हो उस एरिए में नहीं जाए, क्योंकि कई बार बच्चे की हियरिंग पावर पे भी उस तरह की चांसेस देखी गई है। अगर आप ऑलरेडी एक दो बार गई हैं, आई हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कहने का मतलब, उस एरिए में आप रहना होता है, उस एरिए में अगर आपका घर है जहां बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोशिश कीजिए कि आप मतलब कि उस जगह पर नहीं रहें। आई थिंक गाइज, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। फिर भी कुछ पूछना है, कुछ रह गया है तो मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।